हेलो किसान भाई और राम राम, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NCDS के सभी जिन्सों के बाजार भाव के बारे में। 4 दिसंबर 2021 को क्या देखने को मिला, कौन से जिन्सों में तेजी और कौन से जिन्सों में नरमी रही, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे और किसान भाई जानकारी पहुँचे और जानकारी का लाभ उठा सके। तो आइए किसान भाई, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं NCDS के सभी जिन्सों के बाजार भाव के बारे में। बात करेंगे सोयाबीन के बाजार भाव में। बाजार खुलने पर 6,430 रुपये, अधिकतम भाव की बात करूँ 6,648 रुपये। बात करें न्यूनतम भाव के 6,401 रुपये। अगर तेजी मंदी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 255 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे सोयाबीन के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरंडी के बाजार भाव में। दोस्तों बाजार खुला यहाँ पे 6,420 रुपये, अधिकतम भाव 6,474 रुपये। बात करें न्यूनतम भाव के 6,412 रुपये देखने को मिले। और तेजी मंदी की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, 34 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे अरंडी के बाजार भाव देखने को मिले। बात करें चना के बाजार भाव में, बाजार खुला 4,750 रुपये, अधिकतम भाव की बात करूँ 4,800 रुपये देखने को मिले। न्यूनतम भाव 4,750 रुपये। तेजी मंदी की बात करूँ यहाँ पर 23 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर चना के बाजार भाव देखने को मिले। बाजरा के बाजार भाव की बात करें, बाजार खुला 1,830 रुपये पर, अधिकतम भाव की बात करूँ 1,830 रुपये। बात करें न्यूनतम भाव के तो यहाँ पर दोस्तों 1,830 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करूँ तो 20 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर बाजरा के बाजार भाव देखने को मिले। अब बात करें ग्वार गेहूं के बाजार भाव में, बाजार खुला 9,870 रुपये, अधिकतम भाव की बात करूँ 9,960 रुपये। और न्यूनतम भाव की बात करें 9,704 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करें 74 रुपये गिरावट के साथ यहाँ पे ग्वार गेहूं के बाजार भाव देखने को मिले। बात करें ग्वार सीड के बाजार भाव में, बाजार खुला यहाँ पर दोस्तों 5,656 रुपये, अधिकतम भाव की बात करूँ 5,695 रुपये। बात करें न्यूनतम भाव के 5,564 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करूँ 32 रुपये गिरावट के साथ यहाँ पे ग्वार सीड के बाजार भाव देखने को मिले। धनिया की बात करें, बाजार खुला 8,380 रुपये पर, अधिकतम भाव की बात करूँ 8,430 रुपये देखने को मिले। वहीं पर न्यूनतम भाव 8,150 रुपये। तेजी मंदी की बात करूँ 94 रुपये गिरावट के साथ यहाँ पे धनिया का बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरा के बाजार भाव में। बाजार खुला 15,440 रुपये, अधिकतम भाव की बात करूँ 15,680 रुपये। बात करें न्यूनतम भाव के 15,430 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों, 105 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे जीरा के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करें कपास के बाजार भाव में। बाजार खुला 1,690 रुपये, अधिकतम भाव की बात करूँ 1,718 रुपये। बात कर लेते हैं न्यूनतम भाव के 1,690 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करूँ यहाँ पर 23 रुपये गिरावट के साथ यहाँ पे कपास के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफाइंड सोया तेल के बाजार भाव में। बाजार खुला 1,190 रुपये, अधिकतम भाव 1,206 रुपये। बात करें न्यूनतम भाव के 1,190 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर 20 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर रिफाइंड सोया तेल के बाजार भाव देखने को मिले। आई किसान भाई, बात करते हैं सरसों के बाजार भाव में। बाजार खुला 8,021 रुपये पर, अधिकतम भाव 8,049 रुपये। बात करें न्यूनतम भाव के दोस्तों, यहाँ पर 8,021 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर 30 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर सरसों के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर हल्दी के बाजार भाव में। बाजार खुला 7,378 रुपये, अधिकतम भाव की बात करो 7,638 रुपये। बात करें न्यूनतम भाव के 7,332 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करो दोस्तों, यहाँ पर 202 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर हल्दी के बाजार भाव देखने को मिले। अब बात करें नरमा के बाजार भाव में। बाजार खुला 8,200 रुपये पर, अधिकतम भाव 8,250 रुपये। बात करें दोस्तों न्यूनतम भाव के 7,900 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करें यहाँ पर 40 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर नरमा के बाजार भाव देखने को मिले। अब बात करेंगे गोल्ड रेट 22 कैरेट के बारे में, जो कि यहाँ पर 46,450 रुपये प्रति 10 ग्राम देखने को मिले। यहाँ पर दोस्तों तेजी मंदी की बात करूँ तो यहाँ पर 130 रुपये की गिरावट भी देखने को मिले। अब बात करेंगे 24 कैरेट के बारे में, जो कि 47,450 रुपये प्रति 10 ग्राम देखने को मिले। आज यहाँ पर भी दोस्तों 130 रुपये की गिरावट देखने को मिले। तो दोस्तों ये थी आज के NCDS कमोडिटी बाजार के भाव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसान भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि हमारे और किसान भाई जानकारी पहुंचे और जानकारी का लाभ उठा सके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।